बेटा क्या हो गया तुमको हैं? आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ बिल्कुल। इतना बड़ा फैसला आप लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर ले लिया, मुझे बताया तक नहीं। आप दोनों धोखा किया है मेरे साथ, चीट किया आप दोनों ने मुझे, ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है। कोई धोखा नहीं, मेरी बात करिए। गुड़िया ऐसे थोड़ी है। आप तो रहने दें, आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करें, चले जाएं यहाँ से। मुझे लगा था कि आप मुझे समझते हैं, इस घर में इन सबसे अलग हैं आप, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। सब समझती हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अच्छा, अनीस बिल्कुल सही बात है, बेवकूफ थोड़ी है हमारी रमशा। और अब इन बातों का क्या फायदा काशिफ भाई, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या ये बोझ है हम पे है? बोझ है जो इसको इतनी जल्दी धक्के दे के घर से बाहर ही निकाल रहे हैं आप लोग, कोई तरीका धक्के दे के तुम्हें घर से निकालूंगा मैं, समझ गए? खबरदार जो ऐसी बात की। बेटा ये लोग बस तंग कर रहे हैं तुम्हें। देखो बेटा तुम इस घर की एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया, और इस घर में तुम्हारी शादी के बाद कोई अहमियत खत्म थोड़ी हो जाएगी, वैसे ही रहोगी। और हल्के अपने फूफो के घर जाकर और भी प्यारी सी गुड़िया बन जाओगी, ठीक है? ये सिर्फ शरारत कर रहे हैं तुम्हारे। हाँ रमशा पता है, वी विल मिस यू सो मच, वी विल मिस यू सो मच। घर से धक्के देके बाहर निकाल दूंगा ये भाईजान। भाईजान गौरतलब बात है, हाँ। बाबा ने घर ढूंढा है जो मुझे घर दामाद के तौर पे एक्सेप्ट करा। नहीं कर। हाँ तो मैं राजी हूँ, आप इस वाला घर है, दूल्हा राजी है। तुम्हें इतने जूते मारू ना मैं उठ के, देखा? अरे बाबा तो बचपन से ऐसी है, बचपन से रोती रहती है। अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है वो तो बता दो ना। नहीं प्रॉब्लम क्या है, आप तो बड़ा खुश है ना, आपकी तो शादी हो रही है। तो तुम्हारी नहीं हो रही है, तंग मत करो, बच्ची है छोटी सी मासूम। Assalamu alaikum everybody, this is Hajra Yameen. Please do like AIRY Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.